और आज है भाई शिमला में हमारा दूसरा दिन, और अभी निकलेंगे घूमने के लिए क्योंकि मतलब शाम वगैरह में फिर वापस चंडीगढ़ को जाना है क्योंकि कल से फिर कॉलेज भी है। तो आप रूम का हालत देख सकते हो, हम लोगों ने कबाड़ बना के रख दिया रूम में, सारे बच्चे तैयार हो रहे हैं भाई। और वो देखो उधर क्या कर रहा है अमन, हमारा कैमरा का फोटो ले रहा है, कैमरे को सेलिब्रिटी बना दिया। और आप देख सकते हो यहाँ पे कार पे भाई वो लगा के रखते हैं कील टाइप का, क्योंकि बंदर सब जो है भाई इधर ऊपर चढ़ के कुछ तोड़ देते हैं। टंकी के ऊपर भी आप देख सकते हो, और सुबह सुबह का नज़ारा व्यू कुछ इस तरह है। ये हमारा होटल था ये वाला, और भाई देख सकते हो अभी हम लोग आए हुए रेस्टोरेंट पे, जिस अंकल के होटल पे रहे हैं वहीं पे उन्हीं का रेस्टोरेंट भी है। तो यहाँ खाने के लिए काफ़ी शानदार व्यू है भाई यहाँ का, यहाँ से देख सकते हो पहाड़ दिख रही है, थोड़ा जूम कर देता हूँ। भाई मैं चाय, हाँ ले लो, देख सकते हो भाई पहले यही चल रहा था। जितना नंबर है आ चुका है, मिक्स पराठा अच्छे से दो भाई, देख रहे हो लड़के लोग रात से भूखे हैं, काफी जोश है भाई। ये पहाड़ का रास्ता देखो भाई काफी खतरनाक होता है, उधर से आओ इधर से जाओ इधर से जाओ उधर से आओ, काफी दिक्कत होती है भाई, मैं तो भूल जाता इधर अगर अकेले छूट जाऊं तो। ये गाना यहाँ पे सेट होएगा भाई, हल्ले हल्ले साजना धीरे धीरे साजना ओहो। और देखो भाई काफी शानदार व्यू है यार, ओह माय गॉड, और झरना भी झर रहा, उधर बारिश भी हो रही है। जरा धीरे 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 चलो साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। फाइनली पहाड़ से नीचे उतर चुके हैं और दिखाते हैं आपको पीछे का नज़ारा, काफी शानदार है व्यू देखो गजब। ये अपनी कार बुक हो चुकी थी तो कार आ चुकी है, अभी चलेंगे, 8 व्यू पॉइंट है तो देखते हैं कौन कौन सा कैसा कैसा है। वैसे होटल वाले ने हमें बता दिया था कि ये है तो, लेकिन भाई नाम पढ़ने से तो कुछ पता चलता नहीं है। हमारा ग्रुप ये क्या है, सारा मेंबर तैयार हो चुका है देख सकते हो भाई, और चलते हैं देखते हैं क्या क्या है, फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि भाई शिमला के मजे। वैसे तो हम लोग ठंड के सीजन में आए नहीं, आएंगे। एक भैया ने बताया कि दिसंबर लास्ट में आओ तो स्नोफॉल होता है, तो देखेंगे दिसंबर लास्ट से फरवरी। अरे भाई 16-17 किलोमीटर सारा। यहाँ पे क्या हो चुका है भाई बताओ अमन भाई, यहाँ पर गाड़ी रुका हुआ है, अब पेट्रोल भरा रहा है, हम लोग रुके हुए हैं हमारे देख सकते हो। ओ भाई नीतीश पीछे बैठा यार। तो भाई हम अपना फर्स्ट व्यू पॉइंट पहुंच चुके हैं ग्रीन वैली, और देख सकते हो यहाँ से भाई पहाड़ का नजारा ले सकते हैं। तो चलते हैं देखते हैं क्या है इनका सीन। व्यू पॉइंट ग्रीन वैली क्या है इस बार, अपना गैंग का बच्चा सब पूरा आ चुका है। क्या हुआ भाई किधर जा रहे हो उधर, ग्रीन वैली का ये है कि मेरे ख्याल से यहाँ से सब कुछ ग्रीन ग्रीन दिख रहा है चारों तरफ, और कोहरा है भाई काफी बादल का। फर्स्ट व्यू पॉइंट ग्रीन वैली कंप्लीट हो चुकी है, अब निकलते हैं यहाँ से सेकंड व्यू पॉइंट के लिए, देखते हैं वो क्या है और वहाँ का क्या सीन है। मौसम देखो अभी तुरंत धूप था और अभी तुरंत भाई ठंड हो चुकी, पहुँच चुके हैं दूसरा, और पहुँच चुके हैं दूसरा व्यू पॉइंट पे। ये एडवेंचर है हिप हिप पुर्रे, तो जाते हैं भाई देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। बताए भैया बताए कि भाई वहाँ, और भाई ये है सेकंड व्यू पॉइंट में देख सकते हो, कुछ खास नहीं है ये एडवेंचर, इसमें आपका रोलर कोस्टर है ये है वो है एंटेन, और ज़्यादा कुछ नहीं। टाइम रहता तो फिर मज़ा आता भाई। शिमला का सबसे ऊंचा चोटी सर है 11,000 फीट, तो यहाँ से फिर और ऊपर जाने के लिए 2.5 किलोमीटर ऊपर जाने के लिए घोड़ा लेना पड़ेगा, और उससे फिर ऊपर चलेंगे। और ये हमारा मतलब तीसरा
ये जगह है मतलब भैया रिंडो का, और बोला कि यहीं पे सारा आपका मिल जाएगा 8 व्यू पॉइंट। तो देखते हैं जाते हैं, घोड़ा लेना पड़ेगा पहले, पैदल का तो कोई जुगाड़ है नहीं, तो घोड़ा लेके फिर निकलेंगे। बाकी टाइम आपका कितना टाइम आपने वापस कर लिया? जब आप हॉर्स पर जाते हो जब आप मिल चुकी है 6% का, और देखो इन भैया से बात हुआ है अभी। ये नंबर किस कब कॉल करना? जब आप हॉर्स से ड्रॉप होंगे ना एक्टिविटी के लिए। घोड़े बुक कर लिया मैंने, सोचा तो था कि शादी से इसके शादी ये सोचा था कि भाई खुद की शादी होगी तो फिर घोड़ी पे बैठूंगा, लेकिन अब देखो दूल्हा तैयार हो गया घोड़े पे सब लड़के चल रहे हैं भाई, शादी तेरा कराएंगे इधर पे, देख सकते हो भाई। घोड़े के अलावा कोई, हम लोग सोचे थे पैदल चलेंगे, लेकिन भाई पूरा एकदम गंदा सा रास्ता है और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बोला गया कि भाई ऊपर जो भी हो, और बैटरी लो रखी है, देखते हैं कितना तक शूट कर पा रहे हैं अपन, जितना हो सकेगा कवर करेंगे, नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे तो फिर देखा जाएगा, क्योंकि टाइम भी नहीं है और बैटरी भी नहीं है।